नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी झारखंड की दुमका की बेटी अंकिता को इंसाफ नहीं मिल पाया है, वो मामला शांत नहीं हो पाया है। एक और नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया गया है। श्री अमड़ा से पुलिस को एक किशोरी का लटकता हुआ, पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है और ये लड़की 14 साल के आसपास की है। और मैं आपको बता दूं कि ये लड़की है, ये आदिवासी समुदाय से आती है और रानीवेश्वर थाना के रंगदरिया पंचायत से थी। पुलिस ने उसका पहले पोस्टमार्टम किया, बाद में बॉडी जो है उसके परिजनों को सौंप दी। लेकिन ये जो कहानी है, ये जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये आपको बहुत कचोटेगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दुमका की बेटी अंकिता, उसको भी एक शाहरुख नाम के लड़के ने तेल जला करके उसके घर में ही जला दिया था। उसने काफ़ी जद्दोजहद की जीने की, काफ़ी उसकी लड़ाई हुई जिंदगी और मौत में, लेकिन मौत जीत गई। और इसमें शाहरुख ने उस पे मिट्टी का तेल डाला था। अब बात चाहे ये हो कि वो पहले से उसके साथ दोस्ती में थी या नहीं, ये बात बड़ी नहीं है, लेकिन उस लड़की पे तेल जला के उसको मारना, ये बड़ी बात है, ये बुरी बात है, ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये बहुत ही बेशर्मी भरी बात है। अब जो जिस बच्ची के बारे में बात कर रही हूँ, जिस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, वो लड़की मात्र 14 साल की है और ये लड़की जो है, जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो ये प्रेग्नेंट बताई गई और किसी मुस्लिम युवक ने इसको अपने प्रेम जाल में फंसाया और ये लड़की गर्भवती होती है। अब देखिए, 14 साल की लड़की को बुद्धि कितनी होती है, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया और ये अरमान नाम का लड़का है, अरमान अंसारी, इसने उससे शादी करने का भी दबाव बनाया, लेकिन बाद में उसने उस युवती की हत्या कर दी। अब एक ही शहर में एक जैसी घटनाएं हुई हैं दो, तो ये एक अलार्मिंग स्टेज है पुलिस के लिए भी, परिजनों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी और उस जमात के लिए भी जिस जमात से ये लड़के आते हैं। अभी तक तो जो बात सामने आई थी वो ये थी कि जो अंकिता के पिता ने बाद में कहा कि उसकी बेटी को लव जिहाद से ना जोड़ा जाए, जो वो पूरा इंसिडेंट था, उसकी जो पूरी घटना थी, उसको लव जिहाद से ना जोड़ा जाए। लेकिन ये जो लड़की है ये इसके साथ सेम स्टोरी है। ये पहले इसको प्रेम जाल में फंसाया जाता है, फिर ये प्रेग्नेंट होती है, फिर इसकी साजिशन हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो अंसारी अरमान हो, लेकिन मकसद एक ही है इनका कि लड़कियों को पहले अपने प्रेम में फंसाओ, उसके बाद उन्हें प्रेग्नेंट करो, उसके बाद उनसे शादी करो, अगर वो शादी नहीं करती हैं तो उनकी हत्या कर दो। ये कहाँ की बात हुई कि आप लड़की की जान ही ले लो। ये एक्चुअली मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी कि ये जिस तरीके से लड़कियों के साथ प्रेम के उनको जाल में फंसा करके बाद में उनको अधर में या तो लटकते रहने दिया जाता है या फिर उनकी जान ले ली जाती है जब उनकी पोल पट्टी खुलती है। एक और बात, जिस समय हम अंकिता की बात करते हैं तो उस समय हम उसकी उस सहेली की भी बात करते हैं जिसने एक और लड़के का जिक्र किया कि उसने उस लड़की के साथ भी ऐसा ही किया था।
तीन केस होते हैं दुमका से, और एक ही ट्रेंड के हैं, एक ही तरीके से हैं। वो लड़की शादीशुदा थी और अब ये लड़की, तीन केस हो गए हैं दुमका के, तो इनके लिए कौन इंसाफ मांगेगा, कौन इन लड़कों को समझाएगा? और मेरा एक सवाल और भी है कि कौन इन लड़कों का ब्रेन वॉश कर रहा है कि आप इन लड़कियों के साथ इस तरीके से कीजिए? प्रेम में कोई बुराई नहीं है, जाति में कोई बुराई नहीं है, आप कहीं भी प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम तो कभी देखता ही नहीं है कि वो कहाँ पे पनप रहा है। वो ना जात देखता है, ना धर्म देखता है, ना अमीर गरीब देखता है। लेकिन अगर कोई साजिशन अपनी पहचान छिपा करके, या फिर मतलब साजिशन किसी को अपने प्रेम के जाल में फंसा करके इस तरीके की हरकत को अंजाम देता है, तो दोस्तों इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, ये मैं आप ही से पूछती हूँ। हालांकि ये सब चीज़ें कानून के दायरे में आती है, लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं पूरे कंटेंट पे, मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर ये कंटेंट आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, मैं शेयर करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसी घटनाओं से जो लड़कियां हैं वो अवेयर होंगी, जो अभिभावक हैं वो अवेयर होंगे। मतलब वही बात आ जाती है कि हम किसी दूसरे समाज के लिए बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर उस एंड से साजिश की बू आ रही है तो सबको अलर्ट होना चाहिए, लड़कियों को खास तौर पर अलर्ट होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।